नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। बेरोजगार युवाओं के लिए देश में नौकरियों का मानसून आ चुका है। केंद्र सरकार रोजगार की बारिश कर रही है, लेकिन छात्र हैं कि विरोध में सड़क पर उतर गए हैं। बिहार के छात्रों को मोदी सरकार की अग्निपथ योजना बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र इसे जले पर नमक बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर और बक्सर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि इन लोगों ने 2 साल पहले ही मेडिकल और फिजिकल परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अब तक रिटेन तक नहीं हुए हैं। ऐसे में सरकार ने 4 साल वाली स्कीम निकालकर जले पर नमक छिड़का है। मुजफ्फरपुर के युवाओं का कहना है कि नौकरी के लिए उनकी उम्र गुजर रही है और सेना में भर्तियां रोक दी गई हैं। वहीं बक्सर के नाराज छात्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की इस योजना में ही झोल है, सिर्फ 4 साल बाद रिटायरमेंट दे दी जाएगी, आगे फिर हम क्या करेंगे। सोचिए, 18 से 22 साल के 75% बच्चे 22 से 26 साल की उम्र में ही बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि सरकार का तर्क है कि 4 साल पूरे होने के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी काडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन 10वीं या 12वीं पास कर अग्निवीर बनने वाले 75% युवाओं का क्या? उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या कोई स्कीम है? क्या आपने कभी सोचा है 30,000 या 40,000 के लिए सेना में भर्ती होने वाले लड़के कौन होते हैं? या किसी बड़े घर के लड़के नहीं होते हैं, या किसान या गरीब के बेटे होते हैं, जिन पर बहनों की शादियों से लेकर बूढ़े माँ बाप की देखभाल और परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या 4 साल में उनकी ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी? यह बात तो रोजगार और युवाओं के भविष्य के नजरिए से हुई। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा के नजरिए से। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्मी में एक बेहतर जवान को तैयार होने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में अग्निवीर महज 6 महीने में ट्रेंड कैसे हो पाएंगे? इसके साथ ही अग्निवीर जवानों का हमेशा अपने परिवार की चिंता लगी रहेगी। वो किसी तरह अपना 3-4 साल पूरा कर निकलने की फिराक में रहेगा। 3-4 साल की नौकरी वाला जवान अपनी जान हथेली पर रखकर क्यों लड़ेगा? इतना ही नहीं, देश के लिए एक और चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि इन अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज करने का डर बना रहेगा। ये डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है। बीजेपी सांसद अरुण गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार भी 5 सालों के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों? वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस स्कीम का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार सेना की गरिमा से समझौता बंद करे, इससे हमारे सशस्त्र बल पर असर पड़ेगा। दुखद यह भी है कि तेजस्वी अखिलेश जैसे नेता, जो चुनाव के समय बेहद एक्टिव नजर आते हैं, इन दिनों चुपचाप हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी, वह अब तक नहीं दिखाई गई है। केवल बयानबाजी से कोटा पूरा किया जा रहा है। क्या आपको भी नहीं लगता सेना का मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है? ऐसे में फौजियों के साथ 4-4 साल वाला प्रयोग ठीक नहीं है। मैं इस मसले पर चर्चा शुरू करूं, इससे पहले संदीप फौजी का यह संदेश सुन लें। यह सरकार या विपक्ष में नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं वह देश हित में है या नहीं, सुनकर आप खुद ही तय करें। मैं संदीप फौजी गुदरवास रामगढ़ शेखावाटी सीकर का रहने वाला हूँ। मैंने आर्म फोर्सेज में 6 साल सर्विस की है, भारत की सेवा की है। दोस्तों, पिछले 3 साल से सरकार जो देश की सेवा करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो भर्तियां आनी थी उन्हें रोक रखा है, और उस भर्तियों को जिनका फिजिकल हो चुका है उनकी ना तो एग्जाम हुई भी है और ना ही नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। 1,04,000 से ज्यादा पद खाली हैं, और इसी बीच में जहां सरकार से देश का युवा अपनी भर्तियों की गुहार लगा रहा था, बार बार प्रोटेस्ट कर रहा था, वहीं सरकार ने इन भर्तियों को नजरअंदाज करके टीओडी जैसी योजना शुरू कर दी है, जिसका मैं आपको बताऊं, यह टीओडी जैसी योजना अगर शुरू की जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा का यह गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा खतरे में है अगर ऐसा होता है तो। इस सुरक्षा के साथ साथ में जो आर्मी का एक वसूल है, नाम नमक और निशान जैसी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, और देश के युवाओं में जो देशभक्ति की भावनाएं, जोश और जुनून होता है देश की सेवा के लिए, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 साल की तपस्या और उसमें देशभक्ति की भावना भरने के बाद में उसे मात्र 4 साल के बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इससे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। उन्हें इस जवानी की उम्र में अगर हथियारों का ज्ञान देकर के बाहर बेरोजगारी में धकेल दिया जाएगा तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि वो युवा किस गलत रास्ते पे भी भटक सकते हैं।
आज हमारे साथ बातचीत के लिए दो गेस्ट हैं, मेजर जनरल राजन कोचर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट और विशाल कुमार जो एक छात्र हैं और सरकार की इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं विशाल से बात करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा कि बतौर छात्र आपकी क्या डिमांड है और आप इस स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि अग्निपथ स्कीम आपके लिए हितकर नहीं है। देखिए, जो सरकार स्कीम लाई है अग्निबिल, मैं समझता हूं कि यह बिना सोचे समझे आनंद फानंद में लाई गई है। जब सेना के लोग ही इस पर उंगली उठा रहे हैं तो क्या जरूरत है सरकार को स्कीम लाने की। देखिए, सरकार का कहना है कि मैं 17.5 साल के युवाओं को अर्थात नाबालिग युवाओं को 6 महीना की ट्रेनिंग देकर 4 सालों के लिए सेना में रखूंगा। ठीक है भाई, जब 4 साल बाद वो छात्र युवा रिटायर होगा तो उसके बाद वो जाएगा कहां, ये मजबूरी है, ये बड़ा पॉइंट है। और आप उनको वेतन कितना देते हो, मात्र 30,000। ना तो उनकी पेंशन, ना तो स्वास्थ्य सुविधा, ना अन्य प्रकार की सुख सुविधाएं जो मिलती हैं, उनको उन चीज से वंचित कर रहे हो। सरकार का कहना है कि 25% युवाओं को दोबारा सेना में काम करने का मौका मिलेगा, बाकी 75% कूड़ा हो जाएगा। तो वो 75% युवा जिसको आप 17.5 वर्ष की उम्र में, नाबालिग उम्र में सेना की ट्रेनिंग देकर सेना में रखते हो, जब वो बालिक हो जाएगा, 24 वर्ष की उम्र में हो जाएगा, तो वो छात्र युवा जाएगा कहां, बड़ा पॉइंट ये बनता है। दूसरा, जब जो लोग फिजिकल क्लियर कर चुके हैं उन लोगों का क्या होगा, सरकार लगातार 2 साल तक बहालियां नहीं निकाली, एग्जाम के लिए कोरोना होता और चुनाव के लिए कोरोना नहीं होता, ये छात्रों का दर्द है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि 2 सालों के लिए सांसदों का भी बहाली हो, मतलब चुनाव हो, उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाए, फिर उनको सारा पेंशन बंद कर दिया जाए। सरकार यदि पेंशन काट कर देश हित से समझौता होगा तो ये समझौता हम छात्रों को मंजूर नहीं है। 4 साल बाद वो छात्र कहां जाएगा, इसका कुछ अलग स्कीम बनाइए। उस छात्र को 30-35 हजार से कम की जॉब नहीं मिलेगी, इसका एक स्कीम बनाइए, तभी कुछ होने वाला है। सरकार जिस तरह पेंशन छीन रहा है, कहीं मुझे यह दर्द है, कहीं उस 4 साल के बीच में कोई युवा शहीद हो जाता है, कहीं उसे शहीद का भी दर्जा ना छीन लिया जाए। राजन कोचर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं कि ये जो स्कीम सरकार ने निकाली है कि 4 साल आप जो है अग्निवीर बनकर रहेंगे और उसके बाद फिर आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बताया ये भी गया है कि आगे आपको नौकरी दी जाएगी, क्या आपको लगता है कि रोजगार, डिफेंस पे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले ये पूछना चाहूंगा क्या आपको लगता है इससे रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए दीपक, गवर्नमेंट कोई भी स्कीम अगर निकालती है तो सोच समझ के निकालती है, और गवर्नमेंट का इसमें ओवरऑल जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है उसको देखते हुए, उसको समझते हुए ये गवर्नमेंट फैसला लेती है। तो हमको ये बहुत अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने ये कदम क्यों उठाया, और अगर हम इस चीज को समझ जाएंगे तो उसके बाद समझना आसान हो जाएगा कि ये स्कीम क्या उस प्रॉब्लम का समाधान है, क्या वो प्रॉब्लम हल हो गई, और क्या ये देश के लिए और देश के हित के लिए सही। सबसे पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चेंज की क्या जरूरत थी। फौज ने मांगी चेंज, फौज ने गवर्नमेंट को बोला कि भाई हमको यंग सोल्जर्स चाहिए और ये जो सोल्जर्स हमारे पास हैं ये इनकी क्षमता कम है। और दूसरा, हमारी फौज आज मानी जाती है हमारे जवानों के लिए। 1971 वॉर से लेके 65 और कारगिल 1999 और ये जो इंसर्जेंसी चल रही है और टेररिज्म चल रहा है
जम्मू एंड कश्मीर में फौज ने एक बेहतरीन काम किया है। राष्ट्र राइफल बटालियन जो हमारी बनी है उनकी जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग और कमिटमेंट है वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का है। तो ये मैं मानने से इनकार करता हूं कि फौज ने गवर्नमेंट को बोला है कि ये स्कीम लेके आओ। तो अगर फौज ने नहीं बोला है तो गवर्नमेंट ये स्कीम क्यों लेके आई है? और वो इसलिए लेके आई है क्योंकि एक पेंशन बिल जो एक डिफेंस बजट का ऑलमोस्ट एक मेजर चंक है वो गवर्नमेंट को भारी पड़ रहा था कि भाई वो पेंशन जो हम दे रहे हैं अपने जवानों को वो एक काफी सब्सटेंशियल अमाउंट हमारे एक्सचेकर से जा रहा है। और मैं ये चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जितना जो पेंशन बिल है वो फौज 60% उसका हिस्सा है, 40% ये पेंशन बिल सिविलियन जो है जो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते हैं उनकी तादाद लाखों में है, ये 40% पेंशन इन सिविलियंस को जाता है। और सिविलियंस की अगर आप कटौती कर देंगे तो बवाल हो जाएगा। और अगर फौज को अगर आप बोलेंगे कोई चीज करने के लिए, फौज एक डिसिप्लिन फोर्स है उसको मान लेगी। तो फौज के लिए इसीलिए ये पेंशन बिल मेन मुद्दा है गवर्नमेंट का। और अनफॉर्चुनेटली कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जिक्र ही नहीं था। तो यू हम सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। और दूसरा, अगर आपने गौर किया होगा, रक्षा मंत्री की पहली ओपनिंग लाइन थी कि हम चाहते हैं अपनी फौज को वर्ल्ड की बेहतरीन आर्मी बनाने के लिए। क्या आज ये नहीं है बेहतरीन आर्मी? बिल्कुल। चाइना आज हमारे अंदर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारी फौज का जो जवान है वो जो एक जवान है वो तीन चीनी जवानों के ऊपर भारी पड़ेगा और ये हमने गलवान में देख लिए। तो इसीलिए मुझे ये संक्षेप में अगर आप मेरे से पूछें तो गवर्नमेंट की इसमें कोई मजबूरी होगी और गवर्नमेंट इसलिए ये लेके आई है और फौज ने इसकी मांग नहीं की थी गवर्नमेंट से, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जी मेरा सवाल ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है देश विरोधी है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला बहुत घातक साबित हो सकता है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कोई भी गवर्नमेंट देश विरोधी फैसला नहीं लेती। गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है वो अपने हित के लिए लेती है, वो एक देश को चलाने के लिए लेती है। अब गवर्नमेंट को देश को चलाने के लिए फाइनेंसेस चाहिए, कहीं ना कहीं से तो फाइनेंसेस आएंगे, फौज की पेंशन तो बंद नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका है फाइनेंस इकट्ठा करने का। और गवर्नमेंट की जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स है और पे एंड अलाउंसेस गवर्नमेंट भी देती है उसको बैलेंस करने का। आज अगर आपका युवक रोड पे आ गया है और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है, अपना प्रदर्शन कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? कोई उसको पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं उकसा रही है, वो तो खुद अपने जो उसके साथ बीत रही है वो गवर्नमेंट को सुनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला उसका यह मुद्दा है कि आपने 2 साल रिक्रूटमेंट क्यों रोकी कोविड की वजह से? 2 साल पिछले 2 साल में क्या इलेक्शंस नहीं हुए थे? पिछले 2 साल में शिविर नहीं हुए थे? इतने बड़े बड़े हमने शिविर देखे होते हुए, तो आपने रिक्रूटमेंट को बिल्कुल क्यों बंद कर दिया? आप उसको एक
ये उसमें गैप ला सकते थे, और इसको बंद करने का नतीजा अभी ये हुआ है कि बहुत सारे जवान ओवर एज हो गए, अभी उनकी उम्र अभी वो जो 21 से ऊपर हो गए, अब वो फौज में भर्ती नहीं हो सकते या अग्निवीर में भी नहीं उसको भर्ती हो सकते हो, तो अभी जो है उनको कौन कंपनसेट करेगा, मुझे एक चीज बताइए, उनके लिए अभी क्या जरिया है नौकरी का, गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई स्कीम सोच रखी है कि इसको जिसने अपना फिजिकल भी पास कर लिया और अपना रिटर्न का वेट कर रहा है, उस जवान के लिए या उस लड़के के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इसको पहली चीज। दूसरी है कि ये 4 साल के बाद सिविल में जाएंगे, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी गारंटीड स्कीम निकाली है कि हमने इतना पैसा खर्च किया इसको ट्रेन करने में, इसको फौज में हमने 4 साल इसको सैलरी दी है और हमारा इतना खर्चा हुआ इस लड़के के ऊपर, अब इसके बाद हम क्या इसको पीछे हट जाएंगे, इस लड़के को हम बोलते हैं कि अब तुम अपने आप ही ढूंढो इसको नौकरी, नहीं इसको, ये गलत है। फौज को गवर्नमेंट को इसके बारे में एक रीथिंक करनी चाहिए, और मैं अपील करता हूं आपके चैनल से गवर्नमेंट को कि हम आपके फैसले को सलूट करते हैं, आपने अग्निवीर को निकाला है, इसमें कुछ ना कुछ तो देश का हित होगा, तो अगर इसमें आप सोचते हैं देश का हित हुआ है तो ये जो लड़के हैं इनको 4 साल के बाद आप सोचिए, कहीं ना कहीं उनको, अगर उनको आपने 30,000 के ऊपर रखा है और अगर 4 साल में अगर 30 के ऊपर उनको 40,000 पर मंथ उनकी सैलरी बनती है, तो कहीं ना कहीं पे इनको 40,000 से कम की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए जी। इनकी डिग्रेडेशन नहीं होनी चाहिए कि इनको एक सिक्योरिटी गार्ड अपना 15,000 रुपए दे के आपने उस एक कॉलोनी के सामने खड़ा कर दिया एक बंदूक लेके, जैसे कि अभी 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 ऐसा ही हो रहा है। हाँ, तो अभी ये बदलाव लाने की जरूरत है गवर्नमेंट को कि ये जवानों को आप एक नौकरी दें, चाहे आप इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंडक्ट करें, चाहे आप इनको एक कॉर्पोरेट में इंडक्ट करें विद अ गारंटी के जो 75% फौज में वापस नहीं जाएंगे वो 75% कहीं ना कहीं पे एम्प्लॉयमेंट लेंगे, और अगर आप ऐसी गारंटी करते हैं तो आप देखना ये जो अग्निवीर है एक बहुत बड़ा सक्सेस हो जाए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, जैसा आपने भी कहा कि शायद गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पेंशन स्कीम को हटाने का एक तरीका हो सकता है जब आप 4 साल में अग्निवीरों को भर्ती करते हैं और फिर उसकी रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, पेंशन आप खत्म कर देंगे मात्र 30,000 से 40,000 की सैलरी पे 4 साल के लिए कोई योद्धा कैसे बनेगा, क्या जो अभी सेना में जो एक भावना होती है अपने अंदर, क्या ये उन लड़कों में भावना आएगी? दूसरा सवाल कि आप 4 साल किसी लड़के पे खर्च कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग देने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, रिसोर्सेस खर्च कर रहे हैं, और 4 साल के बाद आप फिर नए सिरे से नए लोगों को लाकर फिर से उस पर खर्च करेंगे, तो आप ये पैसा बचा रहे हैं या आपने देश का नुकसान कर? ये आपका पहला क्वेश्चन कि ये जो लड़के जब भर्ती होंगे तो इनमें क्या वो जज्बा होगा देश के लिए, मुझे लगता है होना चाहिए। एक हमारा जो यूथ है देश का और एक फौज के वातावरण में जाएगा, और जैसी हमारी फौज की जूनियर लीडरशिप है, मैं जूनियर लीडरशिप की दाद देता हूं, फौज में कोई भी लड़ाई अगर लड़ी है तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमारी जूनियर लीडरशिप की है, और जो आपका दूसरा ये पार्ट था सवाल का कि हमने जब इतना पैसा इसको खर्च किया है वो जाया चला जाए, इस स्कीम में एक
एक कमी है और एक फ्लॉ है, और इसीलिए मैं अपनी पहली स्टेटमेंट को दोहराना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को एक लैटरल इंडक्शन प्लान भी इसके साथ लेना चाहिए और इसको लाना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं, बिकॉज देखिए कोई भी प्लान होता है, अभी गवर्नमेंट के पास 4 साल का टाइम है इसके बारे में सोचने के लिए, बिकॉज 4 साल के बाद इसकी नौबत आएगी, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास अपना टाइम है, अपने इलेक्शंस के बाद भी गवर्नमेंट के पास टाइम है इसके बारे में इसको सोचने के लिए। और मैं उम्मीद रखता हूं, बिकॉज उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि गवर्नमेंट इसका एक पॉजिटिव निर्णय लेगी। सर, चीन समेत कई ऐसे देश हैं जहां पे इस तरह का मॉडल फॉलो किया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसमें क्या खामियां आप पहली नजर में पाते हैं जिस पे की तत्काल सुधार की जरूरत है। देखिए मैं दीपक जी आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जवान को तो आप किसी भी देश की आर्मी के साथ मत कंपेयर कीजिए। हर एक देश की आर्मी का और हर एक देश के जवान का एक अलग वातावरण है, और एक जो सोशल फैब्रिक हम जिसको बोलते हैं, सोसाइटी में जो एक फैब्रिक होता है वो अलग है। रशियन आर्मी का बुरा हाल क्यों हो रहा है इस लड़ाई में? रशियन आर्मी के पास कंस्क्रिप्शन के काफी परसेंटेज के सोल्जर्स हैं। कंस्क्रिप्शन भी एक अग्निवीर की तरह है, और वो इतना उनका बुरा हाल हो रहा है बिकॉज वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है और फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, 17 साल की उम्र में मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, 3 साल की ट्रेनिंग मैंने की एनडीए में, 1 साल की ट्रेनिंग मैंने आईएमए में की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और जब मैं फौज में भर्ती हुआ तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने 4 साल पैसा खर्च किया मुझे एक ऐसा ऑफिसर बनाने के लिए जो एक पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है। हमारा जो ऑफिसर है पाकिस्तानी आर्मी जनरल नियाजी ने अपना जब 71 में सरेंडर कर रहा था तो उसने एक स्टेटमेंट ये की थी कि मुझे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स दे दो और मैं अपने पाकिस्तानी जवानों के साथ कोई भी वर्ल्ड की आर्मी को हरा सकते। तो हम ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते हैं। हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज हमको पूरी तरीके से प्रोफेशनलिज्म हासिल करनी है। और एक अगर आप देखेंगे एक इसको मसल मेमोरी बोलते हैं, जितना एक चीज को अगर आप दोहराओगे प्रैक्टिस करोगे वो आपकी मसल मेमोरी बन जाती है, और फिर जब आप उसको फायर करते हो तो आंख बंद करके भी आप अपने टारगेट को मार सकते हो। तो ये क्षमता एक इंडियन आर्मी के सोल्जर में है कि वो आंख बंद करके भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है, बिकॉज उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी, इतनी ट्रेनिंग कर रखी। तो अगर आप एक सेमी ट्रेंड आर्मी को लेके जाएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये मेरा पॉइंट है। और दूसरा ये है कि अगर आपने इनको एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं किया तो इनका मोटिवेशन भी उतना ही कम होता रहेगा, उतना ही चैलेंज हमारी जूनियर लीडरशिप के ऊपर रहेगा कि इनका मोटिवेशन लेवल को इसको बढ़ा के रखेंगे। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना आसान चैलेंज नहीं है, और ये इसको मेरे बोलने से ये चीज नहीं होगी, ये तो ग्राउंड में होगी, और ग्राउंड में ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इसको चैलेंज रहेगा कि इनका मोटिवेशन कैसे रखा जाए। 3 साल इनके जब सर्विस में हो जाएंगे तो ये सोचने लग जाएंगे कि अभी हमको 1 साल के बाद क्या करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देना शुरू कर देंगे, तो ये अपने फौज की ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे या अपने रीएम्प्लॉयमेंट का सोचेंगे। ये एक मैंने पीएचडी किया हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस में,
और मैं एक NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मैं एक कोच हूं, और मैं एक माइंड को समझ सकता हूं कि इस माइंड में हमारे क्या चलता है, और इस माइंड को अगर हमने अगर टेम करना है या हम इस पे अपना काबू चाहते हैं, तो हमको जो ये अपनी सोच हमको किस दर्जे तक लेके जानी पड़ती है। तो इसीलिए ये जो अभी यूथ जो स्ट्रीट्स में आ चुके हैं, मैं इनका जो साइकी अभी से मैं समझ सकता हूं, और अगर अभी से ही इनका मोराल डाउन है तो जब ये फौज में जाएंगे तो इनका मोराल और जो एक इसको लो मोराल के साथ एंटर कर रहे हैं फौज में इंस्टेड ऑफ हाई मोराल। तो जो इसको बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है हमको उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। चलिए बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि दर्शक समझेंगे, क्योंकि आर्मी में जो लोग हैं जवान जाते हैं या जिस भावना के साथ जाते हैं, जो भी युवा जाते हैं, उनकी भावना पर यह सवाल नहीं है, सवाल सरकार की नीति को लेकर है। क्योंकि अगर वो देश के लिए सब कुछ करते हैं तो बतौर देश होने के नाते, बतौर सरकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आप एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सेफ्टी आप उसको एहसास कराएं, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और पेंशन जो है इसी के तहत जवानों को दी जाती है ताकि अगर वो है या ना है उसके परिवार को वो सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए इसको हटाना या इस तरह का विचार करना सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी चीज, आपने कई छात्रों को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट कटौती के लिए यही एक रास्ता है फिजूल खर्ची को रोकने के लिए, तो उनका एक तर्क ये भी है कि फिर सांसद या विधायक जो अपने अगर एक बार विधायक बनते हैं और MP बनते हैं तो वो दोनों कोटे से उनको पेंशन मिलता है, तो क्या वो फिजूल खर्ची नहीं है, क्या उस पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्रयोग सिर्फ सेना के साथ ही क्यों। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। ओके, थैंक यू दीपक, बहुत बहुत नमस्कार।